नमस्कार दर्शक, मैं संदीप शर्मा आज शाहजहांपुर के बंडा के बिजली उपकेंद्र पर बैठे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बिजली उपकेंद्र पर यहाँ भारतीय किसान यूनियन चिरूनी गुट ने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धरने का कारण क्या है, कि धरने का कारण ये है कि बिजली विभाग द्वारा यहाँ पर जो बंडा का फीडर है जे लगभग 30 तारीख को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लग गई थी। उसके बाद अभी तक जो है बिजली विभाग की तरफ से उसको दुरुस्त नहीं किया गया, जिसको लेकर आक्रोशित किसान लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन नहीं जागा। उसके बाद आज जो भारतीय किसान यूनियन की चिरूनी गुट है, उन्होंने आज अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जानते हैं क्या क्या मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना है, हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है और किस प्रकार की ये मांगे और क्या पूरा प्रकरण है? सर, मैं रंजीत सिंह, जिला प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन चिरूनी से। जी शर्मा जी, ये 30 तारीख को यहाँ हाइडल सब स्टेशन जो था जी, ये इसकी 3 ट्रालियाँ फूक गई थी जी, और कहा गया था कि 1 या 2 दिन में इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी क्ल्यू नहीं मिल पा रहा है कि कोई व्यवस्था यहाँ पर हो गई हो। एक दूसरे की लाइनों से काट कर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये सप्लाई दे रहे हैं, और आपको पता है कि इस समय धान लगाई का मौसम चल रहा है और भयंकर सूखा है। ऐसे सूखे में जबकि 100 रुपये लीटर डीजल है, आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है, इतनी महंगाई में भी अगर वो खेती कर रहा है तो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। और ऐसी स्थिति में ये लोग अगर बिजली सप्लाई में ऐसा विलंब करेंगे तो एक बहुत बड़ा कारण है जो किसान बर्बादी की ओर जा रहा है। दूसरी बात, पिपरिया मजरा यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के एटे बेटे पड़ता है, और अगर लाइन की लंबाई देखें तो मेरे ख्याल 35-40 किलोमीटर के एटे बेटे पड़ जाती है। हाइडल सब स्टेशन बनाए गए थे जगह जगह पर, ढका में बनाया गया, देवकुली में बनाया गया, नानकपुरी में बनाया गया, यहाँ से अभी भी नानकपुरी फीडर पिपरिया के लिए जा रहा है, और जिसमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बत्ती का ये आलम है कि बल्ब को भी टार्च लेकर ढूंढना पड़ता है, इतनी लो वोल्टेज है वहाँ के किसान इतने दुखी हैं। नानकपुरी में इनके लिए अलग से एक 5 KVA का ट्रांसफार्मर रखा गया, जिसे आज बहुत समय हो गया है और रोजाना हीला हवाली करते हैं, रोजाना अधिकारियों से पूछा जाता है, लेकिन आज तक उस हाइडल सब स्टेशन पे रखे हुए 5 KVA के ट्रांसफार्मर को चालू नहीं किया गया। आज इन लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हम उस ट्रांसफार्मर को चालू नहीं करवा लेते या हमारी लाइनें सुचारू रूप से हमें बत्ती सप्लाई नहीं, क्योंकि ये लोग भी बिल देते हैं और अपने इस देश में योगदान देते हैं, खेती के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से ये योगदान देते हैं। इनकी फसलें अगर बर्बाद हो जाएंगी, इनके बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे ये लोग, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हमने जिलाधिकारी महोदय को अपने ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है और आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाह रहा हूँ कि बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सभी जो मुद्दा है इसे बहुत जल्दी इसका निपटारा किया जाए। इतने समय बाद अभी तक जो बिजली की व्यवस्था है, हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि बिजली जो है किसानों को भरपूर मिलेगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र का है तो उनको बिजली की पूरी जो है पूर्ति पूरी की जाएगी उनकी बिजली की, तो यहाँ पर अगर बिजली की पूर्ति नहीं होगी तो किसान जो है अपनी फसलें कैसे बो पाएगा? धान का सीजन है, कहना इनका बिल्कुल जायज है, क्योंकि धान के सीजन में जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, 100 रुपये लीटर तेल हो गया है, डीजल पहुंच गया है 100 रुपये के करीब, तो इस तरीके से इंजन से तो धान नहीं पाला जा सकता, तो किसान इस वक्त त्राही माम कर रहा है। जानते हैं और किस तरह आप कहाँ से हैं? सर, पिपरिया मजरा से हूँ मैं। अच्छा, पिपरिया मजरा। सर, क्या समस्या है यहाँ पर आप लोगों? सभी समस्या ये है कि एक तो कट लगते हैं, और जो कट लग के बत्ती बिजली मिलती है उसका जो हालात देखिए, जी देखो, ये देखिए अपने माध्यम देखिए, पानी देखो निकाल रही मोटर, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मुझे लगता नहीं है कि ये 1 इंची पाइप जो होता है मोटर का, उससे भी कम, जो छोटा 0.5 horsepower की जो मोटर होती है, शायद उतना पानी निकल रहा होगा, है ना? देखिए सर, ये देखिए क्या हो रहा है, जब सही हो जाएगा हमें बता देना, हम चले जाएंगे उठ के, तो घर पे जाके भी क्या करेंगे, और लेकिन कह रहे जे टीम नहीं मिलती, बोल मिलती, फिर एकदम टीम भी मिल गई और चले भी गए, पता नहीं अब क्या करने गए क्या नहीं है, अगर समाधान हल हो जाएगा तो उठ के चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे तो है। अनिश्चितकालीन धरना है सर, क्या को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है? यही सबसे बड़ी समस्या बिजली वाली है जी। किसान परेशान हैं, और
किसानों से वार्ता हुई थी कि पता लगा था कि इधर नानकपुरी साइड में बिजली की बहुत समस्या है, 2 घंटे लाइट नहीं मिल रही है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। चलिए, अनिश्चितकालीन धरना है जब तक नहीं दुरुस्त होगी, तो क्या मांग क्या करते हैं आप? मांग ये है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का निस्तारण किया जाए, बिजली की समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। मांग है यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना है, कहना है कि अगर इनके समस्याओं का समाधान हो जाता है, बिजली की जो पूर्ति है पूरी हो जाएगी, अगर जो गांव में जिन गांव में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो बिजली नहीं मिल पा रही है, लोग किसान परेशान हैं, उनको अगर उनका हक मिलने लगेगा, बिजली उन्हें मिलने लगेगी, क्योंकि बिल देते हैं, सरकार को बिल देते हैं, तो बिजली लेना उनका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो अगर बिजली मिल जाएगी उन्हें तो वो अपना यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना मजबूरी में ये आकर बैठे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी यही है कि अगर जब तक जब बत्ती ना नहीं मिलेगी तब तक वह लोग यहाँ पर यहाँ से ये लोग नहीं हिलेंगे। बाहर धरना चल रहा है तो यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर कोई मौजूद हो अधिकारी, यहाँ पर भाई साहब है कोई मौजूद यहाँ पर? जहाँ पर जी आपको दिखा दें कि ये जो ये है जहाँ पर उस दिन 30 तारीख को जो ट्रॉली जो थी 30 तारीख को जहाँ पर जो आग लगी थी, जो बंडा टाउन की जो उसकी है, हाँ, ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर, तो ये शॉर्ट सर्किट बताया गया था कि 30 तारीख को, लेकिन अभी तक यह ट्रॉली दुरुस्त नहीं हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन जो भी चल रहा है वो इसी को लेकर है कि जो बिजली की समस्या है, ये ट्रॉलियाँ जो हैं ये किस तरीके से देखिए ब्लास्ट हुई हैं यहाँ पर, जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर जो ट्रॉलियाँ हैं वो ब्लास्ट हुई हैं, लेकिन अभी तक यह बन नहीं पाई हैं, जिसको लेकर आज चढ़ौनी ग्रुप जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उन्हें किसानों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि किसानों को इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि धान का सीजन है, धान के सीजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी होता है, लेकिन जब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, तो किस तरीके से वो अपनी फसल को बोएंगे और किस तरीके से वो अपना आगे का जो उनका फसल है वो कैसे तैयार होगी, तो मैं बात करूंगा यहाँ भाई साहब से। क्या कोई है यहाँ पर मौजूद अधिकारी? हाँ, कौन है? अर्जुन वर्मा मेरा नाम है। अच्छा वर्मा जी, के यहाँ पर जय साहब कहाँ पर है इस वक्त, क्या हो रहा है? जय साहब ये इस वक्त बड़े गांव है, 33 ब्रेकडाउन हो गई है। अच्छा 33 ब्रेकडाउन हो गई जी, तो बता सकते हैं कि ये कब तक सुधरने की स्थिति है, इसकी कोई जानकारी है आपको? अभी तो 2-4 दिन और लग सकते हैं। 2-4 दिन और लग सकते हैं जी। किस पद पर है सर? SSO जी। अच्छा, तो लगभग 2-4 दिन और लग सकते हैं, तो जो किसानों की है कि उन्हें सिर्फ 2 घंटे बिजली मिल रही है, तो वो किस तरीके से मिल रही है, वो किस ट्रॉलियों से दी जा रही है, एडजस्टमेंट किया जा रहा है? दूसरे फीडरों से जुड़कर चल रही है, एडजस्टमेंट किया जा रहा जी है। जो 2 घंटे मात्र बिजली का रोक है कि पानी नहीं निकल रहा जी, दूसरे फीडरों से जुड़कर चल रही है, दूसरे मीटरों से जी फीडरों। तो ये इतनी देरी क्यों लगती है ऐसे कामों में, जब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फिर लोड ओवरलोड हो जाती है मशीनें, नहीं मशीनें ओवरलोड होती हैं, तो इसके लिए सरकार को ऊपर अपने जिला जो अधिकारी हैं, जिला इसके बिजली विभाग के आला अफसर हैं, उस उनको नहीं पता है कि जितना हम बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, बिल बांट रहे हैं, बिल ले रहे हैं उनसे, तो उनको हम बिजली पूरी भरपूर दे सकें जी, पता है तो अब उनको पता है, फिर उसके बावजूद ये सब कैसे चल रहा है? अब ये ब्लास्ट हुआ है, अब ये मशीनें आएंगी, हाँ जी, तभी समस्या हल होगी। ब्लास्ट हुआ, मशीनें आएंगी, तब समस्या का समाधान होगा जी। तब तक किसान भले उनकी फसलें सूखी या रहे, उनसे नहीं, तब तक चल रही है फिलहाल। हाँ, बिल तो साल का पूरा आ जाएगा ना किसान, यही वजह है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि बिल जो है, बिल आ जाएगा साल का पूरा, वो देना पड़ेगा किसानों को पूरा, क्योंकि जो समस्या सबसे बड़ी है कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे, हालांकि कितने दिन लग चुके हैं अभी अभी, और भी देखिए ये भी ट्रॉली है, ये भी जली हुई है, ये भी ट्रॉली है, अभी यहाँ पर जिले से ही ट्रॉली नहीं आई, हालांकि बिजली उपकेंद्र की अगर मैं बंडा की बात करूं तो इनकी भी गलती नहीं है, यहाँ पर अगर बात करूं तो जिला जो बिजली विभाग है, जिला जो बता दूं तो वहां से किस तरीके से जो लापरवाही है, किस तरीके से यहाँ पर जो ट्राली अभी भी यहाँ पर जली पड़ी है, इसकी रिपोर्ट भी बता चुके हैं, दे चुके हैं ये आला अफसरों को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये कितने दिन हो गए हैं जले को, इसको 22 तारीख को ब्लास्ट हुआ था जी, जी तो आज हो गई है 7 तारीख, 7 तारीख हो गई है जी, और 8 वो दिन 7 ये दिन जी, 8-7 15 15 दिन तक, अभी तक 15 दिन तक ये अभी ट्रॉली नहीं बदली गई जी।
जी। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि 15 दिन हो गए हैं ब्लास्ट हुए को और 15 दिन तक अभी भी बताया जा रहा है कि 2-4 दिन और लगेंगे। अब 2-4 दिन, जब तक 15 दिन तक जिस किसान का धान सूख रहा हो, जिस किसान को पानी की आवश्यकता है, वो किसान 15 दिन में किस तरीके से वो अपना धान लगा पाएगा, 15 दिन तक वो किस तरीके से अपना जो रुपाई है उसकी कैसे हो पाएगी, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो है इस वक्त बनी हुई है। यूनियन के चुड़ुनी गुट से यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी, क्या है बिजली की समस्या और किस लिए यहाँ पर है जो प्रोटेस्ट हो रहा है? संदीप जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आप किसानों का दुख देख के आए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बात यह है कि कुछ दिन पहले एडल में कुछ पैनल में फॉल्ट आ गया था। हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि पैनल जो आपके हैं 3-4 दिन में ठीक कर दिए जाएंगे, हमें समय दीजिए। ये शब्द एसडीओ साहब के, जी साहब के थे, जी साहब के पास, एसडीओ साहब के पास हम लोग आए थे। हम लोगों ने उन्हें खुला समय दे दिया कि ठीक है आपको 4 दिन का समय दिया। 4 दिन के बाद में फिर समय मांगा गया, हम लोगों ने फिर समय दिया उनको। हमें समय देते देते आज 15-16 दिन हो गए हैं। इस दरमियान आपको पता है कि इस वक्त बरसात भी हो नहीं रही, तो किसान धान की रुपाई कर रहे हैं। हम किसानों के खेतों में धान अब सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक्शन साहब के पास के एक्शन साहब ने कहा था कि अभी तक हमें सबसे बड़ी समस्या थी कि पैसा अलाट नहीं हुआ था, लेकिन अब पैसा हमने सेक्शन करवा लिया लखनऊ से 20 लाख रुपए। परसों तक आपके पैनल हम वहाँ पे लगा देंगे और आपको सुचारू रूप से जो बिजली है वो देने लगेंगे। लेकिन आज फिर एक सप्ताह हो गया है, हमें वादा किया गया था कि आज पैनल फिट करके और आपको बत्ती दी जाएगी, और यहाँ तक कह दिया गया कि बदायूं पे हमारी गाड़ी पहुँच गई है, वहाँ से पैनल लाद लिए गए और चल दिए हैं। लेकिन बदायूं से यहाँ तक आज 4th दिन हो गया है और हमें शाम को क्या कह दिया गया कि वहाँ पर एक हाथी था, एक घोड़ा था। मैंने कहा हाथी घोड़े का मतलब समझाइए, कहने लगे कोई बड़ा है कोई छोटा है। मैंने कहा कि आप छोटे बड़े के चक्कर में, अभी तो वो 2-3 दिन अभी मेरी बात हुई तो कह रहे अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं। नहीं, 2-3 दिन क्यों लग सकते हैं, हमें समझाए ना कि उसका रीजन क्या है। आप कह रहे थे कि पैसा मिलना चाहिए, पैसा आपको ऊपर से आ गया, 4 दिन आपने मांगे थे, आज 5वां दिन है पैसा इनको सेक्शन हुए, लेकिन अब 4 दिन किस बात के और ले रहे हैं। समझाए ना, आके बताए किसानों को, नुकसान तो हमारा किसानों का हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, और यहाँ आके किसानों को बताए कि यह समस्या जो कब सही होगी। आज 15 दिन हो गए हैं किसानों के खेतों में धान सूख रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या। अगर सवेरे किसान आए यहाँ पर, इनका कोई कर्मचारी, टुच्चा कर्मचारी, मुझे नहीं पता वो कौन था, वो किसानों को धमकी दे रहा था कि आपको महंगा पड़ेगा। भाई किसान दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। देखिए किसानों का जो हैडल है, जनता का हैडल है, यहाँ हमारा अगर कोई दुख होगा तभी तो हम आएंगे ना, इतने हम कहाँ से खाली जो घर से हम उठ के जहाँ आ जाए, उसके बावजूद हम यहाँ पे धमकियाँ सुने क्यों? अगर किसानों का बीच में अगर कोई किसी का नुकसान होता है तो इसका पूर्णतः जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, वो जो धमकियाँ देने वाले जो है ये चोर ये होंगे। अच्छा, अनिश्चितकालीन जो धरना है आपका कब तक? देखिए जी, जब तक हमें सुचारू रूप से बिजली नहीं मिलेगी तब तक धरना ऐसे ही चलेगा, तब तक नहीं उठेंगे। आश्वासन बहुत हम लोग इन्होंने दिए, हम लोगों ने बहुत समय दे दिया, अब हमारे पास समय देने का कोई भी आगे विधि विधान नहीं बनता, हमारे धान सूख चुके हैं खेतों में। चलिए, आपने देखा किस तरीके से जो यहाँ पर जो ट्राली फूकी थी यहाँ पर, अभी तक उनका जो है निस्तारण नहीं हो पाया, ना ही यहाँ पर उनका भी बन पाया, तो उसको लेकर किसान जो है संगठन है, किसान जो यूनियन के चुड़ुनी गुट के जिला अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह जी, इनकी अगुवाई में आज इन्होंने अपना अनिश्चितकालीन जो है धरना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक किसानों की समस्याओं का, बिजली समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मैं संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, ई बी 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।